आगामी ईद पर्व को लेकर शुक्रवार को मंडी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बिजली, पानी, आवारा मवेशी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान एडिशनल एसपी, सीएसपी, बिल्लाग्राम एवं मंडी थाना प्रभारी सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जबकि पुलिस के पास नाम भी चले रहते, चोरों के गाँव के नाम भी पता पड़ जाते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहे, चोरों के कुछ लगा नहीं पा रहे। शर्मा जी से कंसल्ट कर लेते, उनके भी नाले में बहुत सारी चीजें रहती है, जानकारी लग जाती है उनके माध्यम से। उनका खुफिया विभाग भी अच्छा था उनका भी, कम से इसमें अंकुश तो लगेगा, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि अभी सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो मिल नहीं है। नहीं, नरेंद्र यादव ने गए थे, गाड़ी पकड़ के लाए थे अपने, ये कमठाना की गाड़ी नहीं, उनसे जो जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनको नहीं लाए, वो बाकी दूसरे को लाए। अरे वो दूसरे थे, और इनके अंदर अथाह किरायेदार रहते हैं, आते हैं 15 दिन रहते हैं, 1 महीने रहते हैं, 2 महीने रहते हैं और फिर चले जाते हैं। थोड़ा सा एक राजस्व विभाग का और आपके का कम्बाइंड एक बने थोड़ा सा, और घर 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 एक समीक्षा हो जाए। हम लोगों से जानकारी मांगेंगे, लोग नहीं देंगे, हम देंगे तो हमारे मकान के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है, उनको ये मन में डर रहता है, ये भी थोड़ा मन में संशय रहता है, खाने पे आने में भी संशय रहता है। आप लोग अपना अपना फल को एक बार परिचय दीजिए, उसको लेकर शिशु से इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी आप सब लोग यहाँ हैं, मेरे ख्याल से चर्चा सभी बिंदु को नहीं होगी। विषय जो है अभी इसकी तो कौन कौन से त्यौहार है, अभी तो 17 तारीख को तो एक तो ईद उल जुहा है, उसके पहले गोरा समाज की भी तो ईद होगी, एक दिन गोरा समाज तो आपकी ईद भी रहेगी संडे को ना, 16 को है, 17 को सोमवार को ईद है, तो गोरा समाज की ईद का भी चर्चा आपने कर दिया, आप भी अपना थोड़ा बता दीजिएगा कि आपकी ईद का क्या बता दिया, सर को सब लिखा दिया, संख्या क्या रहती है, सारी चीजें बता दी, जो पूर्व अनुसार रहेगा सब कुछ लिखा होगा, 6 बजे से सुबह 6 बजे पहली बाईपास की मस्जिद में नमाज होगी, उसके बाद 2 बजे तक 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे बड़ी जामा मस्जिद, और 8 बजे सबसे बड़ी जामा। 17 तारीख की बात है, 16 का करेगा, 16 का इसके अंदर कम से कम 50,000 अभी 50,000 केवल वाला नहीं, निर्देश स्पष्ट हो गए होंगे सारे, उसमें जो भी शासन की मंशा है, समाज की मंशा है और हमारी आपस की सहमति है, उस पे जो चर्चा हुई है उसका पालन आप लोग करवाएं, ठीक है। होता क्या है, आप लोग समाज के मतलब वरिष्ठ और सम्मानित लोग, आप लोग की बात पूरा समाज मानता है, इसलिए आप हम लोग जब शांति समिति बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमने पूरे समाज से बात कर ली है, नागरिक की पूरी जनसंख्या से हमारी बात हो रही है, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप हर व्यक्ति या 10,000 लोगों के बराबर है, हर व्यक्ति की बात, किसी की 5,000 लोगों तक, किसी की 10 तक, किसी की, लेकिन आप लोग मौके पर पहुंचे चीज को संभालते हो, इतना आप बता सकते, तो नई उम्र के बच्चे हैं, तमाम तरह की चीजें, हो सकता है आप वहाँ तक न पहुँचा पाए, तो कोशिश हमारी रहती थी, आप जो यहाँ पे बातें की गई, यहाँ जो निर्देश दिए गए वो आप उचित फोरम पर उचित समय पर कोशिश करें कि सभी तक पहुँच जाए, अवश्य सड़कों पर गलियों में नहीं डालेंगे, नगर पालिका की गाड़ी में अवश्य चलेंगे, 3 राउंड नगर पालिका की गाड़ी करेगी बराबर, और अवश्य सब अपनी जगह लगाएंगे, और 3 दिन तक ये ट्रक बराबर चलेगा। इसके अलावा जो गंदगी अगर तो नगर पालिका का टैंकर से सफाई अखबार करना, उसमें ये भी देखना है, ये बात क्या
नगर पालिका एजेंसी हो गई, पुलिस की एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी है, एमपीडी है, जल का प्रदाय हो रहा है, बहुत बार चीज़ें होती है कि बताने के बाद भी कुछ चीज़ें उसमें आप लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सबसे पिक्चर है पानी का प्रदाय बताया कि आपकी बात हुई दिन में जो भी सफाई का शेड्यूल रहेगा गाड़ी का टाइम बता दें और तब तक मैसेज पहुँचा कि इस समय इस स्थान पर गाड़ी आएगी तो अपना आके वेस्टर्न से भी पूरा सफर बना लें। पहले से बताना शुरू होता है लाइट वाइट को लेकर भी देख लें एक बार आपका जो है टीए साहब आपने कितनी मस्जिद में नमाज होगी 12 पिछली बार की संख्या 16 थी। हाँ सर, उस संख्या के हिसाब से जो है पुलिस बल और अपने ग्राम रक्षा समिति भी यूज कर सकते हैं। जी सर, और कोई वॉलंटियर आप लगते हैं नगर पालिका से उसको लेके उसके मुताबिक वहाँ पर बल लगवा दें। और जो भीड़ है या जो नमाज करने के लिए लोग आएंगे तमाम लोग उस पर देखिए रास्ते से ज्यादा लोग आ रहे हैं, वाहन कहाँ खड़े होंगे, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जब जब छूटती है तो सब लोग चाहते हैं कि सारे पहुंचे वो जो रश होता है ना रश को मैनेज करना है, रास्ते पे इसके कारण जाम लगे पर ऐसी व्यवस्था कर लो। आपका डायवर्शन का जो प्लान होता है वो पर नगर पालिका का उसमें सहयोग रहेगा ही रहेगा डायवर्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर जो लोकल मीडिया है सोशल मीडिया है लोकल प्रेस है इसमें सब में प्रॉपर देते हैं कि भाई इस समय इतने समय से इतने समय तक डायवर्शन हम लोग करेंगे और आप लोग भी निर्देश देते डायवर्शन का समय रहेगा तो उस समय के हिसाब से अपने पूरा ट्रीटमेंट दवा देंगे। ये सारे कॉमन निर्देश हैं, बार बार बताने का आशय है ताकि आपसे हमारी मुलाकात होती है, बातें आपको भी बताएं हमको भी बताएं, नया कुछ नहीं है। साउंड वाउंड को देख लीजिएगा, साउंड वाउंड के जो पैरामीटर्स हैं वो मानक इतनी गाड़ियां थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दे लें क्योंकि वहीं पे पब्लिक ज्यादा रहेगी और गाड़ी के बाद पब्लिक वही रहेगी, बच्चे रहेंगे लगातार 5-7 दिन से हम कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी सही मदरसे का झूले चक्री चलते हैं तो बच्चे दिन भर झूलते हैं तो वो सांड इस कदर लड़ना है। परसों तो मेरे को ईदगाह से नमाज पढ़ के निकला नहीं सिंह मारा था वो तो अच्छा, पर 5-7 दिन से लगातार नगर पालिका द्वारा आपने देखा कार्रवाई कर रहे हैं हमारा पशुओं को पकड़ रहे हैं बिल्कुल और कार्रवाई भी कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे जब आप लोग सफाई के लिए आपकी गाड़ी में जाएगी कई बार हर घर को सुनाना मुश्किल है कि नाली में निश्चित कर दे तो वो नाली वाली घटने की आशंका रहती है तो एक मछली लग सकते हैं और तुम भरावड़ा भी सोचो उसको क्लियर करा, वो छोटी छोटी चीज़ है और छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। सबकी सबने कोशिश ये रही कि छोटी बातें बड़ा न बन लगे, केवल बड़ी बात भी है उसको बड़ा बन लगे उसको छोटा बन लगे स्वभाव है। हर वार्ड में मोड़ने वाली आपकी गाड़ी दो टाइम बहुत पूरी व्यवस्था है उसके अंदर कोई होते ही नहीं है। आगामी सप्ताह में जो है 3-4 बड़े त्यौहार हमारे नागपुर शहर में आयोजित होंगे, उसमें बोहरा समाज की ईद है और 17 को ईद उजुहा है, 3 बड़े कार्यक्रम है। इसको लेके सभी समाजों के जो गणमान्य लोग थे जिनका समाज में प्रभाव है और जो प्रभुत्व है सबको बुलाया गया था, इस पर एक सामान्य बातों पर चर्चा हुई, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, त्यौहार को लेकर जितने प्रिकॉशन रखने हैं जो सावधानी रखनी है और जो निर्देश शासन की तरफ से जारी हुए उन सभी निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया, सभी की सहमति ली गई और आम सहमति से हमने अपील की कि सभी लोग इस त्यौहार को अच्छे से मिलजुल के मनाएं और शांतिपूर्वक तरीके से इसका आयोजन करें।